अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए आज ही फेसबुक पर फॉलो करें। इस मौके पर आप सभी तशरीफ लाए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त निकाला, इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर में न सिर्फ बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत पर तवज्जा दी जाती है, बल्कि उनको आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन तालीमात की ज़रूरत होती है, वो तमाम तालीमात दी जाती हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चा यहाँ से जब हाफिज़ होकर निकले तो वो आठवीं क्लास पास हो, कम से कम उसकी आठवीं क्लास कंप्लीट हो चुकी हो, और यहाँ से जब वो जाए हिफ्ज करने के बाद तो वो नवी क्लास में जाकर दाखिला ले सके या किसी बड़े इदारे में, मदरसे में आलिमियत का कोर्स करे। तो ये हमारी कोशिश रहती है, उसके लिए हमने यहाँ इंतज़ाम किया हुआ है। हमारी मैडम है, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ा रही हैं और हिंदी इंग्लिश हर तरह की तालीमात से यहाँ पर बच्चों को नवाजा जाता है। अल हयात इस्लामिक एजुकेशन की शुरुआत ऐसे दौर में और ऐसे वक्त हुई जब तमाम तर इदारे बंद थे, तमाम इदारों के अंदर ताला पड़ा हुआ था। उस वक्त हमारे मोहतरम बड़े भाई जनाब हकीम राशिद मंसूरी साहब को ख्याल आया कि हमारे बच्चे, कौम के बच्चे, उनकी तालीम के बारे में ख्याल किया जाए, सोचा जाए। तो उनके जहन में ख्याल आया, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को तालीम दीजिए। तो लॉकडाउन के तमाम नियमों का पालन करते हुए हमने अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर को इस तरह से शुरू किया था कि सिर्फ तीन बच्चे थे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और विद मास्क ये शुरू किया गया था। उसके बाद जैसे ही हुकूमत की तरफ से कुछ आसानियाँ और सहूलत आई और अल्लाह की तरफ से जो अजाब जो अचल रहा था कोविड-19 का, वो जैसे ही वो सिमटना शुरू हुआ, इस इदारे के दरवाजे खुलने शुरू हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम तक पहुँचे हैं कि जहाँ से कई बच्चों ने, दर्जनों बच्चों ने इस्तिफादा किया है और हिफ्ज़ो नाज़रा पढ़ करके और हिंदी अंग्रेज़ी की भी तालीम हासिल करके वो अच्छे मकाम तक पहुँच चुके हैं। गुज़िश्ता साल हम लोगों ने 9 बच्चों को नाज़रा मुकम्मल कराया कवायद और तजवीद की रियायत के साथ, और एक बच्चा मोहम्मद साद जिसने हिफ्ज कुरान करीम मुकम्मल किया। बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों ने यहाँ पर कायदे से शुरू किया, दरमियान से हम किसी को नहीं बिठाते हैं। आप सभी को ये मालूम होगा बखूबी, दरमियान से हम किसी को नहीं बिठाते हैं। जो भी आएगा अलिफ बाता से शुरू करेगा और कोशिश हमारी ये रहती है कि वो आखिर यहीं पर करें, ख़त्म भी यहीं पर करें। तलबा का जो मेयार है उसको अच्छा रखने के लिए जितनी हमें कोशिश करनी पड़े हम उतनी कोशिश करते हैं, और आखिरकार अल्लाह ने उस कोशिश को और उस मेहनत को कबूल किया है, उसका नतीजा आपके सामने है, आप तमाम देख रहे हैं। हम सभी की ये कोशिश है, खुसूसन राशिद भाई की ये कोशिश है कि सभी बच्चों का मुस्तकबिल सुनहरा हो और ये हमारे लिए निजात का जरिया बने। आपको ये बता दूं, जो यहाँ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, यहाँ और बाहर भी जो तशरीफ़ फरमा है, वो सभी इस बात पे ज़रा तवज्जा करें तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए और आपके लिए भी। यह है कि यहाँ इदारे के अंदर हर तरह की तालीम का तो माकूल नज़्म है ही अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि यहाँ हफ्तेवारी अंजुमन का भी क़याम है। पीछे लिखा हुआ है अंजुमन बज़्मे हयात, जो कि एवरी संडे शाम के वक्त बच्चे, तमाम बच्चे उसमें मेहनत करके पूरे हफ्ते जो है लाते हैं, तैयारी करके स्पीचेस और जो भी उनकी परफॉर्मेंस होती है वो पेश करते हैं, और हर हफ्ते
बच्चों को हम कोशिश करते हैं कि इनाम देने की, उनके हौसले को बढ़ाने की, और उनको उनका मोटिवेशन जितना ज़्यादा बढ़े उतना ही हम सब के लिए और इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और इनके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है। तो इनका हौसला इस तरह से बढ़ाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चों ने अभी प्रोग्राम पेश किया है सुबह से लेकर अब तक, उसकी जो तैयारियां हैं उसके लिए हमने कोई खास मखसूस टाइम नहीं लगाया। 24 से 48 घंटों की ये तैयारी है और उसी तैयारी को यहाँ बच्चों ने पेश किया है। इसकी वजह यह है कि बच्चे मुसलसल मेहनत करते रहते हैं। अगर तैयारियों में कुछ कमी और कुछ खामियां नज़र आई हो तो उनको नज़रअंदाज करें, इसलिए कि बच्चों के ऊपर इतना लोड है तालीम का, पढ़ाई का। कुछ बच्चे हिफ्स भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नाजरा पढ़ते हैं, फिर वो स्कूल भी जाते हैं, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ आसरी तालीम का माकूल इंतज़ाम है, हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स वगैरह तमाम चीज़ें। तो इतना ज़्यादा लोड बच्चे के ऊपर हो जाता है कि बच्चे को हम कुछ देने से पहले थोड़ा सोचते हैं कि भाई कहीं पर ज़्यादा बोझ ना हो जाए, क्योंकि उसकी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए हमने सिर्फ 24 से 48 घंटे का वक्त निकाला तैयारी के लिए, उसमें भी उनके सबक की नागा नहीं होने दी, और जो दूसरे असबाब हैं वो चलते रहे और साथ में इस प्रोग्राम की तैयारी भी होती रही। अल हयात इस्लामिक एजुकेशन सेंटर, बच्चों की बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए आज ही फेसबुक पर फॉलो करें।